नमस्कार। छाछ दूध और दही में सबसे बेस्ट किसको माना गया है? आयुर्वेद में छाछ को यानी तक्र को अमृत के तुल्य कहा गया है, लेकिन समय का जो है वो हमें पता होना चाहिए, इसको कब लेनी चाहिए। कई लोग रात को भी छाछ ले लेते हैं, दही ले लेते हैं, नहीं लेना है। छाछ अमृत तुल्य है, लेकिन उसके समय का विशेष ध्यान रखें। और छाछ किसको कहा गया है? छाछ दही को बिलो कर उसका जो मक्खन अलग करके जो पानी का हिस्सा बचता है वो छाछ होता है, और उसको तक्र कहा गया है। उसको लेना शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, विशेष रूप से संग्रहणी के रोगों में, पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें छाछ बहुत उपयोगी मानी गई है। उसमें पानी जो है वो और ज्यादा डाल सकते हैं अगर आपको हार्ड छाछ परेशान कर रही है। मैंने बहुत सारे लोगों से अनुभव लिया, कई लोग छाछ पीते हैं लेकिन वो खाना खाने के बाद पीते हैं, या फिर 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक छाछ पीते हैं। छाछ 12 बजे बाद में पीने लायक नहीं है, क्योंकि वो उसमें एक खट्टापन आ जाता है। जब सूर्य एकदम सेंटर में आता है और उससे जब छिपने की ओर होता है, यानी पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो उसके बाद में एक विशेष गर्मी होती है, उसकी वजह से छाछ में खट्टापन आता है। तो आपको अगर छाछ पीना है तो 10 बजे, 11 बजे का भोजन करिए और उसी समय छाछ को लीजिए। भोजन के साथ घूट घूट करके अगर छाछ पियेंगे तो वो भोजन को पाचक आती है और आपके लिए वो अच्छा रहता है। तो छाछ जो है उसको लेने का एक तरीका आप देखिएगा, कैसे मैं छाछ लूं। और छाछ को हमेशा घूट घूट करके पीना, कई लोग मुंह के लगा के गटागट गटागट पी जाते हैं, वो छाछ शरीर में इतना लाभ नहीं करती है, क्योंकि छाछ के साथ लार जाएगी, तो वो उसका एसिडिक वैल्यू को कम करेगी, और एसिडिक वैल्यू को कम करेगी तो वो गैस नहीं बनाएगी। तो छाछ हमेशा 12 बजे से पहले ही पीना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की जो मेरे से कंसल्टेंसी करते रहते हैं, उन लोगों से बात करके यही समझ में आया कि वो लोग 12 बजे बाद ही छाछ पीते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत गलत है। गोला बनेगा, जिसको आयुर्वेद में गुल्म कहते हैं, और इसको हम जो है ब्लोटिंग कहते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वो गोला उस छाछ की वजह से हो सकता है। आप एक बार छाछ बंद करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। अगर छाछ आपने बंद की, गोला बंद हो गया, तो समझिए कि आपने गलत टाइम पे छाछ पी, इस वजह से ये दर्द हुआ है। तो आप छाछ लीजिए, लेकिन पहले लीजिए, भोजन के साथ लीजिए, 12 बजे से पहले लीजिए, ये जरूर ध्यान रखें। और छाछ जो है वो घर पे ही बनाने का अभ्यास करें, प्रयास करें। छाछ में से अगर घी नहीं निकलता है तो उसको मट्ठा कहते हैं, वो मट्ठा जो है थोड़ा भारी होता है, लस्सी के रूप में भी लोग पीते हैं। तो अगर बहुत तेज गर्मी है और आपका शरीर पचा पाता है तो मट्ठा भी एनर्जी दायक होता है, एनर्जी देता है, एकदम इंस्टेंट आपको ताकत देगा। तो मट्ठा भी पी सकते हैं, लेकिन वो एक इंस्टेंट एनर्जी के लिए, और जवान शरीर हो, भारी शरीर हो, जवान का मतलब जो पचा पाए, जवानी जिसमें हो, आंतों में बहुत ताकत हो, वो लोग मट्ठा रेगुलर पी भी सकते हैं। लेकिन जिनका शरीर बहुत कुछ पचाने में सक्षम नहीं है, उनको पतली छाछ का सेवन करना चाहिए। और दही जो है, कई लोग जो सामान्य लोग हैं वो दही पीते हैं, तो वो सुबह ही खाना, उसके लिए मेरा पीछे बात हुई हुई है। दूध जो है वो रात को लेने का समय होता है, तो तीनों का समय डिसाइड है, दही सुबह, दोपहर में छाछ, और रात को दूध, ये तीनों चीजें। लेकिन जिनको पेट की, आंव की ऐसी समस्या है, उनको दूध और दही से बचना चाहिए। छाछ भी आप एक बार समझ के लीजिए, मुझे लगता है कि 50% लोगों को छाछ सूट करेगा, 50 को नहीं करेगा। तो आप 50 में हैं या नहीं है वो आपको एक बार खुद को चेक करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जिनके बारे में बातचीत हम करते रहते हैं, और जो खान पान से हम अपने स्वास्थ्य को सुधारने का अभ्यास करें, ऐसी अपेक्षा मैं हमेशा करता हूँ। और हमारे पास एक संदेश आपके लिए है, त्रिनेत्र कार्ड। हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, उसमें हम मैग्नेटिक थेरेपी, रुद्राक्ष और कुछ ऐसी चीजें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हीलिंग में हमारी आध्यात्मिक तरीके से, या फिर जो हमारे प्राकृतिक तरीके से कुछ लाभ कर सके, ऐसी कुछ चीजों का हम जो है डिस्प्ले कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो त्रिनेत्र कार्ड TRINETRKART.com त्रिनेत्र कार्ड पर जाकर आप कुछ चीजें अपने लिए चूज कर सकते हैं, घर में अपना एक पैकेज बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, जो कि आपको समझ में आए तो आप उसको यूज करें। तो अब दीजिए इजाजत डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योगधाम से। नमस्कार।